क्या भी उन्हीं में से हो जो अपना कमाया हुआ सारा का सारा पैसा बैंक में रखते हैं, ये सोचकर कि वो सेफ रहेगा और फ्यूचर में फायदा पहुंचाएगा आपको? अगर हाँ तो शायद ये गलतफहमी हो सकती है आपकी, क्योंकि बैंक में पैसा जमा करने के बाद अगर आप उसे साल भर के लिए भी होल्ड करते हो तो बैंक मुश्किल से आपको उस पैसे के ऊपर 3 से 4% ही रिटर्न देगा। यानी 1000 मान लो अगर आपने होल्ड किए तो 30 से 40 रुपए ही मिलेंगे आपको, वो भी पूरे 1 साल बाद। बट अगर आप भारत के इन्फ्लेशन पर नजर डालो तो आज भारत का इन्फ्लेशन करीब 8% तक जा चुका है। यानी हर साल आपके बैंक में रखा पैसा 4% से बढ़ तो रहा है, बट महंगाई भी वहीं हर साल लगभग 8% से इंक्रीज हो रही है। यानी जो चीज आज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो अगले साल हो सकता है 108 तक की पड़े आपको। तो इनडायरेक्टली वो आपका बैंक में रखा पैसा 4% से बढ़कर आपको फायदा नहीं उल्टा नुकसान कर रहा है। बट बैंक के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? ऐसा और कौन सा तरीका है जहां हम पैसा लगाकर छोड़ दें बस अपना, और टाइम के साथ साथ हमारा वो पैसा इतना ग्रो हो कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट कर जाए? भले ऐसे तरीके हैं, एंड एक दो नहीं बहुत सारे तरीके हैं जहां पर एक बार बस पैसा लगाकर आप छोड़ दो एंड वो पैसा वहां अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। देखो वैसे तो मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट इतने सालों में अब तक मैंने जितनी भी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ी हैं, जितने भी कामयाब लोगों की बातों को समझा है, इन सब में मुझे कुछ ऐसे कॉमन एसेट्स मिले हैं जहाँ कामयाब लोग अपना पैसा लगाना सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ बैंक तो नहीं है, तो फिर कौन कौन से हैं वो एसेट्स, आज हम यही जानने वाले हैं। सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आज की ये वीडियो होगी, इसको बहुत ध्यान से देखना। एसेट नंबर 6, आए दिन आप न्यूज वगैरह में सुनते रहते होंगे कि उस इंसान ने इस चीज को पेटेंट करा लिया, इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट पेटेंट करा लिया, उसने वो कॉन्सेप्ट पेटेंट करा लिया। एंड नॉर्मली लोग ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि पेटेंट कराने के बाद होता क्या है उन्हें ये नहीं पता होता। पेटेंट असल में एक ऐसा प्रोडक्ट या आइडिया होता है जिसमें एक फिक्स टाइम के लिए सिर्फ पेटेंट कराने वाले का हक होता है, एंड बिना आपके परमिशन के ना तो आपके पेटेंट को कोई यूज कर सकता और ना ही उसे कोई सेल कर सकता है। एंड अगर वो ऐसा करता भी है तो उसे आपको एक फिक्स अमाउंट रॉयल्टी के तौर पर देना होगा। नवंबर 2021 में एक न्यूज काफी वायरल हुई थी जिसमें हरिद्वेश्वर सिंह भाटी नाम का ये बच्चा चेस के अलग अलग वेरिएंट्स निकालकर भारत का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर बना। असल में उसने एक ऐसी चेस इन्वेंट करी जिसमें 2 नहीं 3 नहीं 6 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते थे, और प्लेयर्स को अब सिर्फ सामने से ही नहीं बल्कि चारों तरफ से बचना था। ये वाकई में लोगों के लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था एंड लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। देन क्योंकि इस बच्चे ने इसको पेटेंट करा लिया था तो तब से लेकर अब तक जो लोग भी ये इन्वेंशन सेल कर रहे हैं उसमें से एक फिक्स अमाउंट इस बच्चे को एज रॉयल्टी मिल रही है। ऐसे ही और ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने पहले कुछ अलग इन्वेंट करने के लिए पैसा लगाया अपना, देन अब जब वो इन्वेंशन लोगों के काम आ रहा है तो बिना कुछ काम किए उनको इससे लगातार रॉयल्टी इनकम मिल रही है। सो ये भी एक ऐसा तरीका है जहां आप सिर्फ एक बार पैसे लगाकर फिर बिना अपनी इन्वॉल्वमेंट के अच्छी कमाई कर सकते हो। बट किसी भी चीज़ का इन्वेंशन करना इतना भी आसान नहीं है, इसमें आपके पैसे के साथ साथ टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। पर आगे आपके लिए चीज़ें और भी आसान होती रहेंगी जहाँ ना तो आपको ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा टाइम। बस ऐसे ही वीडियो में बने रहो। एसेट नंबर 5, भारत में सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, एंड इसे अगर चाइना से कंपेयर करा जाए तो ये नंबर बहुत ही कम है, बिकॉज चाइना के अंदर भी 13% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। बाकी यूएस के तो हम आसपास भी नहीं हैं, क्योंकि यूएस के अंदर भी इन्वेस्टिंग करने वाले 55% लोग हैं। अब देखो भारत में इतने कम इन्वेस्टर्स होने का एक बहुत ही सिंपल रीजन है, यहाँ पर करीब 1/3 आबादी गरीब या मिडिल क्लास से आती है, एंड इन लोगों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को बहुत रिस्की समझा जाता है। यहाँ समझा जाता है कि इन्वेस्टिंग बहुत ही मुश्किल काम है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है, हम यहाँ अपना पैसा लगाएंगे तो वो डूबेगा ही डूबेगा। एंड सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, बाहर कंट्रीज में भी जो लोग इन्वेस्टिंग से बचते हैं उनका भी लगभग यही मानना होता है। बड़े इस चीज़ पर रॉबर्ट कियोसाकी एक क्लियर बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो लोग भी इन्वेस्टिंग को रिस्की समझते हैं वो ये जानते ही नहीं कि इन्वेस्टिंग होती कैसे है। किसी भी चीज़ में रिस्क आपको तब तक लगता है जब तक आप सीख ना जाओ उसको। स्टॉक मार्केट में लिटरली बहुत पैसा है, लोग यहाँ हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों बना चुके हैं, बट ये पैसा वो तभी यहाँ से बना पाते हैं जब नॉलेज होती है उन्हें इस बारे में, ये एटलीस्ट बेसिक्स क्लियर होते हैं उनके। सो आप भी अगर उन्हीं में से हो जो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड तो हो बट आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सो ऐसे में आप इस कोर्स की हेल्प ले सकते हो जो कम्प्लीटली फ्री है। ये A to Z ऑफ फाइनेंस नाम का कोर्स है जो कि एलन मार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है। इसमें आपको इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी से लेकर इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस रजिस्टर करते वक्त आपको कूपन कोड सेक्शन में
DH100 नाम से ये कोड ऐड करना है। ये ऐड करते ही आपका 999 का कोर्स कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वहां जाओ और इन्वेस्टिंग के लगभग सारे बेसिक्स जान लो। एसेट नंबर 4, एक ऐसा कॉमन एसेट है जिसके बारे में आपने अपने घरों तक में सुना होगा। इसका नाम है रियल एस्टेट, मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, जमीन खरीदना, दुकान या मकान किराए पर दे देना, ये सभी चीज़ रियल एस्टेट में आती है। वैसे तो ये ज़्यादा रिस्की नहीं माना जाता और एवरेजली जो इंडिया में रियल एस्टेट का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 10% के आसपास है, जो कि नो डाउट इन्फ्लेशन से तो आगे है। बट समझने वाली बात यह है कि ये 10% इंडिया की टॉप 9 सिटीज़ का रिटर्न है। यहाँ आप देखो, ये हैं वो 9 सिटीज़, यानी अगर इन 9 सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तब बचे हुए नॉर्मल सिटीज़ में आपको 7 से 8% ही रिटर्न मिल सकता है। पर तब भी मैं रियल एस्टेट को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट से कमाने के और भी कई तरीके हैं। इनमें से एक फेमस तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे देना, यानी कि अपनी कोई प्रॉपर्टी या घर का कोई पार्ट रेंट पर देकर आप उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपकी कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तब आपको 8 से 11% तक की रेंटल यील्ड एनुअली मिल सकती है। रेंटल यील्ड यानी कि आपने कितने में प्रॉपर्टी खरीदी एंड उसका आप कितना परसेंट हिस्सा सिर्फ रेंट से कमा रहे हो। यानी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो 2 लाख तक की है और आप रेंट से 20,000 साल के कमा रहे हो उससे, तो आपका रेंटल यील्ड 10% हुआ। एसेट नंबर 3, पिछले पॉइंट के अंदर हमने रियल एस्टेट की बात करी जिसमें रिटर्न तो बहुत अच्छी है बट इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, और हर किसी के पास पहले से कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन एक तरीका है जिससे आपको सेम रेंटिंग बेनिफिट मिल सकता है और उतनी ही इन्वेस्टमेंट पर जितना आप करना चाहते हो, यानी कि लगभग सेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न, और वो भी आपकी कम इन्वेस्टमेंट के साथ में। ये काम आपको रीट्स करने का मौका देती है। रीट्स की फुल फॉर्म होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये बेसिकली कुछ रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की कंपनीज होती हैं जो आप जैसे और भी कई लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाती हैं, देन उन सारे पैसों को ऐसी प्रॉपर्टी में लगा देती हैं जिन्हें लोग अच्छे पैसों में रेंट पर ले सकें। प्रॉपर्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स या कुछ भी। बस यहाँ मैटर ये करता है कि लोगों में डिमांड हो उसे रेंट पर लेने की। देन जब इन कंपनीज के पास अपने रियल एस्टेट से जो भी पैसा आता है तो उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा आपके शेयर के हिसाब से एज डिविडेंड आपको मिलता रहता है। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टीज की बढ़ती वैल्यू का हिसाब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उसके रेंट का उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना एक लग्जरी प्रॉपर्टी के रेंट पर मिलता है। एसेट नंबर 2, हमारे बीच एक और ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू पिछले कई सालों से बढ़ती ही जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की। इसकी ग्रोथ का अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हो, जहाँ 2010 में गोल्ड के प्राइस सिर्फ 18,500 तक थे, वहीं 2023 तक आते आते ये 61,000 तक पहुँच गए। यानी पिछले 10 सालों में गोल्ड की वैल्यू 125% से बढ़ी है। यही रीजन है कि गोल्ड कई इन्वेस्टर्स की पहली पसंद रहा है। इसी के साथ गोल्ड को एक स्टेटस सिंबल माना जाता है, यानी जिसके पास जितना ज्यादा गोल्ड वो उतना ही ज्यादा अमीर। 2019 और 20 के बाद में गोल्ड्स की रिटर्न्स में एक बहुत बड़ा जंप देखने मिला, जिसका रीजन है कि गोल्ड मार्केट में सप्लाई और डिमांड कोरोना के टाइम पे काफी डिस्टर्ब हुई थी, जिस वजह से गोल्ड की प्राइस अचानक से इंक्रीज हो गई। बट तब से लेकर अब तक भी ये इंक्रीजमेंट का ग्राफ बढ़ने पर ही है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, फिजिकल गोल्ड में रिस्क बहुत होता है, पैसा इन्वेस्ट करके गोल्ड अगर हमने खरीद भी लिया तो उसको सेफ रखने की झंझट, सुरक्षित कहाँ रखेंगे हम उसको। वेल, डोंट वरी, इसका भी सोल्यूशन है। अगर आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना उतना सिक्योर नहीं लग रहा तो आपके लिए गोल्ड बॉन्ड्स के नाम से ये डिजिटल ऑप्शन भी है। SGB, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसी जगहों से गोल्ड को आप डिजिटली भी खरीद सकते हो, जिसमें आपको गोल्ड की बढ़ती प्राइस का फायदा तो मिलेगा ही, पर साथ ही गवर्नमेंट भी आपको 2.5% का फिक्स रिटर्न भी देगी। सो अगर आपको अपना गोल्ड लोगों की नज़रों में नहीं लाना तो ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। एसेट नंबर 1, हमें कई बार लगता है कि ऑनलाइन सब कुछ फ्री है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हो वो आपको फ्री प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है, लेकिन ये हर सिनेरियो में सच नहीं है। और अगर आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल भी जाती है तब भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी वजह से कोई स्किल या किसी पर्टिकुलर फील्ड में नॉलेज लेने के लिए लोग कोर्स प्रेफर करते हैं। सो अगर आपके पास किसी ऐसी फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है तो सबसे पहली रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी आपको कि उस पर एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कर लो, जिसमें पहले तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बट रिटर्न्स आपको उसकी लगभग लाइफ टाइम तक मिलती रहेंगी। कोर्स बनाकर अपलोड करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइक यूडेमी, ग्राफी, क्लास प्लस वगैरह वगैरह। वहाँ एक बार कोर्स अपलोड करने के बाद आप उस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर से उसका प्रमोशन करवा सकते हो, जिससे ना सिर्फ आपको एक अच्छी पैसिव इनकम आएगी
बल्कि इससे आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू भी बनेगी। खुद इन्फ्लुएंसर्स को भी आप देखते होंगे कि वो लोग भी आजकल अपनी वीडियोस में खुद के कोर्स बेच रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ध्रुव राठी, जिनकी वेबसाइट पर आपको ढेरों कोर्सेस मिल जाएंगे जो कि कंटेंट क्रिएशन से लेकर हर तरह की चीज़ों को कवर करते हैं, और ऑन एन एवरेज कोर्स का प्राइस 3 से 6 हज़ार के करीब है। अब इससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा कोई क्रिएटर सिर्फ एक बार कोर्स सेल करके लाइफ टाइम तक कितनी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। बट आपके पास अगर कोई चैनल या ऑडियंस नहीं भी है तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आप उस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन करवा सकते हो। तो ये थे कुछ ऐसे एसेट्स जहां इन्वेस्ट करके अपने पैसों से आप अच्छी खासी रिटर्न्स बना सकते हो। अब देखो, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट करने की बात हो रही है तो यहाँ पर सिर्फ ये 10 मिनट की वीडियो की नॉलेज काफ़ी नहीं होगी आपके लिए। जहाँ भी आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है उसकी सबसे पहले तो आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को समझना होगा, देन तभी आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। बट इतना तो मैं कहूँगा कि इनमें से कोई भी ऑप्शन बैंक में पैसा रखने से तो फार बेटर है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, एंड डिस्क्रिप्शन में A to Z ऑफ फाइनेंस कोर्स का लिंक है। DH100 कोड ऐड करके उस पर 100% डिस्काउंट पाओ और डिटेल में इन्वेस्टिंग को समझकर अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। सो टेक केयर, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।